आज मैं आपको मखाने की चाट बनाकर दिखा रही हूँ, जो हमें फलाहार में नवरात्र में यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं मखाने की चाट। आइए अब हम सबसे पहले मखाना भून लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मखाना लिया है, तो यहाँ उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाला है। घी हमारा हीट हो गया है, अब हम इसमें ये मखाना पहले अच्छे तरीके से कुरकुरे होने तक इसे भून लेंगे। देखिए हमारा मखाना बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है, एकदम क्रिस्पी। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर नमक नहीं भूनते वक्त मिलाया था, क्योंकि बहुत लोग नवरात्र में नमक नहीं खाते, लेकिन जो लोग सेंधा नमक खाते हैं सेंधा नमक यूज़ करें। अगर नवरात ना हो तो नॉर्मल नमक यूज़ करें। यहाँ पर देखिए मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, ये नवरात के लिए मैं बना रही हूँ मखाने की चाट। यहाँ पर मैंने डाल दिया है, फिर यहाँ पर मैंने बारीक कटा हरा मिर्च, बारीक कटा पुदीने की पत्ती, आप धनिया की भी पत्ती यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मैंने अभी गर्मियों के नवरात में खीरे आसानी से मिल जाते हैं और पेट के लिए भी ठंडे होते हैं, अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बारीक कटा खीरा यूज़ किया है। यहाँ पर हमने टमाटर यूज़ किया है बारीक कटा हुआ, यहाँ बारीक कटा हुआ हमने सेब लिया है, आप अंगूर अनार कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम देखिए यहाँ पर रोस्टेड मूंगफली, अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा हरा चटनी डालेंगे, जिसे आप सेंधा नमक के साथ पीस लेंगे, और टोमेटो प्यूरी भी नमक सेंधा नमक और चीनी के साथ पीस लेंगे और इसमें डालेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये आपके इच्छा पर है, आपको मन है तो आप डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मखाना चाट नवरात्र स्पेशल तैयार है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करना, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ये बहुत ही हेल्दी डिश है, आप नवरात्र में चाहो आप नॉर्मल डेज में भी इसे बना सकते हैं। आप बनाएंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके लिए यूँ ही रोज़ नए वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।